अरे दिलावर जी क्या कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं? अभी अपन पता है ना जा रहे हैं पुणे में खाना खाने के लिए। भाई मुझे तो बहुत ज्यादा भूख लगी, वेट नहीं कर सकता हूँ मैं। आपको तो हमेशा ही भूख लगता है। कहाँ जा रहे हैं हम? जा रहे हैं सीके फर्म सुषमाज किचन में। अभी ये फर्म कौन सा है, क्या है, वो अपने को पता नहीं। आपको पता है कितनी बार गए पुणे में आप? मैं 2 बार गया हूँ, लेकिन ये कहाँ है मुझे तो पता नहीं है। मुझे भी पता नहीं है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा कहाँ पे है। तो मेरे साइज के हिसाब से खाना मिलेगा? अरे इतना बड़ा फर्म है तो जो चाहिए वो मिलेगा भाई। तो ये मैं कहूँ अभी खा लो फिलहाल। तो हम लोग जाने वाले पुणे में सीके फार्म सुषमा किचन में। अभी ये क्या है, कौन सा फार्म है, उनके पास क्या क्या है, वो ना मुझे पता है ना दिलावर जी को पता है। बस हम लोग निकल पड़े हैं मुंबई से पुणे के लिए। तो चलिए जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं क्या क्या है और क्या क्या नहीं। और दिलावर जी का ये 3रा टाइम है पुणे में जाने का, और वो भी मेरे साथ ही। अकेले गए कभी? नहीं, नहीं, नहीं। और अकेले जाना भी नहीं चाहते बराबर ना, जाएंगे तो सिर्फ मेरे साथ। तो चलिए फटाफट दिलावर जी निकलते हैं, क्योंकि दिलावर जी को बहुत भूख लगता है और मुझे तो आप जानते ही है। तो वहाँ पे अपने को क्या खाना मिलता है वो देखते हैं। आ जाइए, चलो दिलावर जी गाड़ी में बैठ के काम। जा रहे पंचेत पंचेत में पंचेत। व्हाट्स अप गाइस, तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए पुणे में। पुणे में यार, लेकिन कहां पे पहुंच गए? शुरुआत तो की आपने पुणे सीके फार्म सुषमा किचन किचन्स में। और ये कहाँ पे है बताओ? ये पंचेत पुणे में है। नहीं संतोष बताएंगे, संतोष बताएंगे भाई। ये है पंचेत खड़कवासला के बैक क्वार्टर में। और ये धरन देखिए कौन सा है, खड़कवासला का धरन। ये नीचे वाला पंच खड़कवासला है और इसके ऊपर पंचेत डैम है। अच्छा दोस्तों, मौसम बहुत बढ़िया है, मौसम सुहाना, बिना एसी का एकदम ठंडा ठंडा कूल कूल। और लोकेशन तो बहुत बढ़िया है, और हम लोग को जाना है ऊपर। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग चल के नहीं जाएंगे, गाड़ी से जाएंगे, क्या चल के जाएंगे, क्योंकि दिलावर जी को फिर हम लोग को उठा के लेके जाना पड़ेगा। और ऐसा एक भी आदमी नहीं यहाँ पे दिलावर जी को उठा सके। तो चलिए दिलावर जी, बहुत लेट हो गया और हम लोग को भूख भी बहुत लगा है, तो जल्दी से जल्दी चलते हैं ऊपर। लेकिन जाते जाते सारी डिटेल्स आपको बताएंगे ऊपर, और ये दिखाएंगे भी लोकेशन कैसा है। तो चलिए जल्दी से जल्दी। धन्यवाद धन्यवाद। देखिए ये सीके फार्म सुषमाज किचन जो है, इनके ओनर है, क्या नाम है आपका? सुनील जागड़े। सुनील जागड़े जी, थैंक यू सुनील जी, इतना अच्छा हमारा स्वागत करने के लिए आपने, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ का लोकेशन भी बहुत बहुत अच्छा है। दिलावर जी लोकेशन कैसा लगा आपको? बहुत मस्त है, मस्त, बिना एसी का नींद आएगा भाई साहब। हम तो आपकी बहुत राह देख रहे थे, आप मुंबई से आने वाले थे, इसके लिए हम इतने एक्साइटेड थे।
थैंक यू सुनील जी। तो ये आपने फर्म मतलब कितने साल हो गए आपने ये बनाया? हाल ही में हमने ये चालू किया है, कोविड 2 के बाद में यहाँ से शुरू किया। तो ये एक्चुअली ये जो है ये मेरे मिसेज जो है सुषमा जागड़े आ जाइए वो ही देखते है। अच्छा, इनके नाम से सुषमा किचन जो और सीके फार्म। अच्छा, हमारा मेन फर्म का नाम है सीके फार्म। अच्छा, और सुषमा किचन इसको रन करती है क्योंकि तो आप कितने साल से मतलब ये चालू किया है कि आप भी चालू किया है? इससे पहले भी आप बनाते होंगे ना? मैं 2 साल से चला रही थी। अच्छा, पहले दूसरी जगह था लेकिन अभी ये नया चालू किया है। हाँ, तो आपके यहाँ पे अभी मतलब रहना खाना पीना सारी व्यवस्था यहाँ पे है? जी जी जी। और ये कहाँ पे है थोड़ा बताइए, ये कहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है? ये पुना कारपोरेशन सिटी से 24 किलोमीटर है, पुणे पांचेत रोड पे, खड़कवासला बैकवाटर पे। चलो बहुत बढ़िया, मैं भी इनका पूरा डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप लोग ये पूरा फर्म देखिए, उसके बाद में आपको इनके जो जो स्पेशल डिश है वो भी दिखाएंगे। तो चलिए चलते अंदर, आप ये पूरा फार्म देखिए और फिर मिलते अपने खाने के साथ में। सीके फार्म्स सुषमाज किचन की सारी डिशेस रेडी हो गई है। और क्या बात है, देखिए कितनी बेहतरीन बेहतरीन डिश रेडी हो गई है। तो इसकी सारी जानकारी लेनी है तो बुलाते हैं यहाँ के ओनर सुषमा जी, आ जाइए, और उनके हस्बैंड सुनील जी आ जाइए। बैठिए। थैंक यू वेरी मच, इतनी बढ़िया बढ़िया डिश आपने रेडी करने के लिए। यहाँ का इनका जो वेज का है, वेज का किचन अलग है और नॉन वेज का किचन अलग है, और वेज के बर्तन भी अलग है, नॉन वेज के बर्तन अलग है। तो सुषमा जी मुझे सारे डिश के नाम बताइए। अभी ये वेज बिरयानी है, वेज बिरयानी मसाला बैंगन, इसका वाल बोलते है, वाल, हाँ, पनीर मसाला, दाल तड़का, ये चिकन सूप है, ये चिकन लेग पीस, हाँ, ये मच्छी, ये यहाँ की नदी की है मच्छी, नदी की मच्छी, क्या बात है, चिलापी बोलते हैं उसको, चिलापी मच्छी। देखिए सेकंड टाइम है मेरा चिलापी मच्छी खाने का। ये चिकन रस्सा, ये चिकन खरड़ा, देखिए ये चिकन फ्राई, ये अंडा मसाला, और यहाँ पे मटन बिरयानी है, क्या बात है, और चपाती और भाकरी। इतनी बढ़िया बढ़िया डिश यहाँ पे बनी है, बहुत बहुत अच्छा लगा। और यहाँ का लोकेशन भी बहुत बढ़िया है। अभी हम लोग यहाँ पे पहुंचते रात हो गई। थैंक यू सुनील जी, नमस्कार सुषमा जी, आपने इतनी बढ़िया बढ़िया डिश रेडी करने के लिए। तो चलिए अभी ये खाना शुरू करते है। तो ये हमारे दो आ जाइए, दो हमारे बकासुर यहाँ पे बैठे हैं। दिलावर जी तो भाग भाग के आ गए। ये है हमारे दिलावर जी और ये है संतोष जी। अभी इनके दोनों के बीच में मैं दिखाई दूंगा या नहीं दूंगा मुझे पता नहीं,
और सुबह से लेके बहुत बहुत ज्यादा भूख लगी है भाई साहब। दिलावर जी को ज्यादा भूख लगी है। आप बात करते रहो, मैं खाना शुरू करूंगा। और संतोष तुमको भी भूख लगी है ना? बहुत भूख लगी है। और ये इतने डिशेज देखे, क्या कंट्रोल कर पाओगे आप? नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। अभी मैं चिकन खरड़ा से शुरू करता हूँ। दिलावर जी स्टार्ट हो जाइए। अटैक। क्या बात है यार, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। दिलावर जी आपको टेस्ट कैसा लगा बताइए भाई? एक नंबर। कांदा, चिकन लेग पीस, सच में बहुत बहुत बढ़िया टेस्ट है। मजा आ गया। चिकन लेग पीस मजा आ गया। अंडा मसाला, चिकन लेग पीस। उला जी, सीके फार्म्स का लोकेशन भी इतना बढ़िया है और साथ में उसके खाने का मजा तो और ही बढ़िया। खाने का टेस्ट सच बताओ आपको बहुत नेक्स्ट लेवल का खाना ये। आप लोग यहाँ पे आते फुल एंजॉय होगा। खाना घर का मिलेगा, खुद सुषमा जी किचन में रुक के ये सारी डिशेज बना के लेती है। इतनी बेहतरीन हो गई है। और यहाँ पे अभी मुझे रहा नहीं जा रहा, यहाँ पे है अपना रस्सा, तो ये मैं रस्सा ले लूंगा। यार बहुत बढ़िया लग रहा है ये, देखिए। देखिए कितनी बढ़िया ग्रेवी यार, देख सकते हैं आप। ये हम रस्सा इसके ऊपर मिलाएंगे ऐसा मस्त। हाँ देख सकते हैं ये। ओहो और फिर हम अभी इसके साथ में खाएंगे मस्त चपाती। भाई दिलावर जी का अंदाज निराला है, वो लगे है खाने में। दिलावर जी आज बात नहीं कर रहे, दिलावर जी बस खाने पे ध्यान रहे उनका। अरे यहाँ की चिलापी फिश जो स्पेशल बनाई है सुषमा किचन में, उसके टेस्ट करके देखते। संतोष मेरे पास कोई शब्द नहीं बोलने के लिए, क्या बोलूं मैं अभी ये चिकन को। सुपर यार, बोगम को खुश हुआ। हमें ये भी टेस्ट करना है चिलापी मच्छी। दिलावर जी लीजिए, और मैं आपको आज देने वाला हूं चिकन आलनी सूप। और ये संतोष जी के लिए, ये दिलावर जी के लिए, और ये रुको साथ में पीते अपन, और ये
मेरे लिए भाई साहब खुश देख सकते हैं। हाँ वाह हाय 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 बेहतरीन बेहतरीन दिलावर जी के लिए स्पेशल बैंगन भरता। भाई हम तो चिकन के ऊपर टूट पड़े हैं और मैं लेता हूं पनीर की सब्जी। एक नंबर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दिलावर जी मजा आ रहा है बहुत ज्यादा। अंडा मसाला बैगन भरता अभी हम लेंगे मटन बिरयानी। यहाँ पे है मटन बिरयानी। दिलावर जी मटन बिरयानी कैसी है? दिलावर जी ने तो खत्म कर ली। मजा आ गया बहुत बेहतरीन बहुत लाजवाब। मजा आ गया बहुत ही अलग फ्लेवर है यार बिरयानी का। उल्ला जी कैसा लगा आपको? बेहतरीन बिरयानी ने सारे डिशेज बेहतरीन है। वाह सच में सारे डिश बहुत बहुत बेहतरीन है। बहुत मजा आया बहुत सारा हम लोगों ने इसमें से खाया है और ये पूरा दिलावर जी पूरा खत्म हो जाएगा पूरा साफ हो जाएगा क्योंकि डिश ही इतने बढ़िया बने हैं। तो चलिए यही था हमारा कुछ स्पेशल और कुछ यूनिक वीडियो। अब ये सारी डिशेस पूरी फिनिश हो जाएगी बहुत बेहतरीन बेहतरीन डिश है। तो आप लोग यार सच में सुषमाज किचन में सीके फार्म में एक बार जरूर आना बहुत बहुत मजा आएगा। तो आप लोगों ने अगर वीडियो पूरा एंड तक देखा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो बाय बाय मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिश के साथ। तब तक के लिए बाय।